सीरियल अलादीन नाम तो सुना होगा में जफर को आखिरकार मिल ही गई सोने से भरी पोटली, जिस सोने को पाने की खातिर जफर ने कभी झेले पत्थरों के वार तो कभी फंसे आग के शोलों के बीच आखिरकार जफर को वो सोना एक पोटली में मिल ही गया। लेकिन इस पोटली को खोलने में जफर को करनी पड़ रही है काफी मशक्कत। जफर के बार बार कोशिश करने पर भी ये पोटली खुलने का नाम ही नहीं ले रही। इतने में ही अली अपनी गैंग के साथ वहां पहुंच जाते हैं और जफर के सामने ये खुलासा करते हैं कि ये पोटली तो उन्हीं से खुलेगी। मैंने कहा कि दोस्ती निभाना तो इनके खून में है, अगर आप या कोई और होता ना तो अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि ये पोटली सिर्फ मेरा हुक्म मानती है, इसके बावजूद भी आपने तो खोलने की कोशिश नहीं की। मेरी पोटली को सही सलामत ढूंढ के मुझे देने के लिए कहिए, आप जो कहेंगे मैं आपको बोलूँगा। अली जफर को पोटली ढूंढने के लिए शाबाशी देते हैं और बदले में उनसे जो चाहे मांगने को कहते हैं, जिसके जवाब में जफर उनसे महल में वापस आने की गुजारिश करते हैं। हम जो कहेंगे जो कुछ भी आप उसे और बस एक अली ने जो चाहा वो कर दिखाया। जफर का भरोसा जीत कर महल में लौट आए हैं जनाब, लेकिन उनके इस मकसद से अभी तक जफर और जीनू है बेखबर। तो चलिए चलते हैं जीनू के पास और जानते हैं इस पूरे सीक्वेंस के बारे में। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कहानियाँ चल रही हैं, केव के बाहर आए हुए हैं। तो ये सीन कुछ ऐसा है कि पैसे की लालच में जफर अंधा हो चुका है और जफर अपने चिराग के जिन के साथ अंदर जाता है गुफा के अंदर जाके वहाँ पे देखता है, बहुत सारा सोना है, बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं उसकी आंखें चौंधिया सी जाती हैं। और मुलाकात होती है इन सभी लोगों से, सब लोगों से मिल मिला के जब ये बाहर निकलता है, बाहर निकलते वक्त एक पोटली चुरा लेता है अली की। और बाहर निकल के ये अपने चिराग के जिन से कहता है कि क्यों ना अगर मैं इस पोटली को खोल लूँ और इसके इसमें से अनगिनत सोना निकलता रहे तो मैं जीत जाऊँगा और मुझे अली की जैसे इंसान की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एंड मौके पे जब वो अपने चिराग के जिन को पोटली दे ही रहा होता है, उसी वक्त गलती से वो लोग भी बाहर आ जाते हैं जो कि चिराग का जिन ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग कब आएंगे, कब सारा जी उसकी बाहर आएंगी। वो बाहर आ जाते हैं और वो अली बात को संभालते हुए कहता है कि मुझे पता था कि आप इतने अच्छे हैं कि आप मेरी पोटली को संभाल के रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस पोटली को संभाला। तो ये है कुछ ऐसा सीन। वैसे जीनू अली का पहला मकसद तो पूरा हो गया, अब ये समझे कि जीत अली की ही होगी। जी हाँ, ना क्या जो बेसिकली जफर की सारी कहानियाँ लगातार आप देखते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी लालच, उसकी ग्रीड उसको कहीं ना कहीं ला के फंसा देती है और अली उसको संभाल लेता है किसी ना किसी तरीके से। अब अली ने इसको यूँ संभाला है कि वापस फिर से महल जाने की बातें फिर से शुरू हो गई हैं, जहाँ महल से निकाले गए थे शहजादी के थ्रू। आज फिर ऐसा कुछ कहानी आ गई है कि अब जफर अपना अपना रुतबा और अपनी दोस्ती दिखाता हुआ उनको फिर से वापस लेके जाता है और कहीं ना कहीं उसमें उसकी भलाई है और यहाँ इस चिराग के जिन की कि उसकी सारा भी उसके साथ ही चलती है। वेल अली, फिलहाल तो आप अपनी इस जीत का जश्न मना लीजिए, लेकिन जरा संभल कर क्योंकि शातिर जफर के पास भी चिराग के जिन की ताकत है। कब कहाँ आपके गेम का पासा पलट जाए कोई कह नहीं सकता। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट E24।